मैं दावत खिताब दियांगा खतीब आले मोहम्मद फखरे आले सुन्नत जनाब अलामा यासीन कादरी साहब आप लाहौर को मेंबर ते तशरीफ लियावन ते जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद खुदायरू साहब दे नाल साडे दिलां नूं मुनव्वर फरमान नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फऔज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العلي العظيم درود پاک پڑھیں अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ व करम है कि जिसकी तौफीक से हम आज के पुरफितन दौर में अगर आप चाहें तो मैं करीब आ जाए सारा कुछ बंद करवा के उस तरह बात ना कर ले मुझे तो समझ नहीं आ रही आपको पता नहीं आ रही है कि नहीं ये जनरेटर का शोर है इसको भी बंद कर देते हैं इसको भी बंद कर देते हैं आप करीब आ जाए मैं लाहौर से चल के आया हूँ आपको कुछ सुनाने के लिए मुझे बिल्कुल आवाज़ की समझ नहीं आ रही बिल्कुल भाई ये बंद कर दे जनरेटर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ व करम है कि जिसकी तौफीक से हम आज के पुरफितन दौर में मुश्किल तरीन दौर में खारजियत के दौर में नासबियत के दौर में तकफीरियत के माहौल में फ़िरकावारियत के दौर में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए अल्लाह ताला हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो बानियान है जिन्होंने आका अली सलाम की अहले बैते अतहार के ज़िक्र की ये पाक महफिल और मजलस सजाई है अल्लाह उनके घर को सजा दे अल्लाह कारोबार में बरकत दे रिस्क में बरकत दे औलाद में बरकत दे मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे आप भी दूर दराज से कुर्ब जवार से बुज़ुर्ग जवान बच्चे शदीद गर्म मौसम में आप बैठे हुए हैं अल्लाह ताला आपकी भी झोलियाँ भर के भेजे न किसी से लड़ाई है न किसी से झगड़ा है मैंने कुरान सुनाना है मुस्तफ़ा का फरमान पहुँचाना है और आपके सामने एक सुन्नी बैठा हुआ है सुन्नियत बताऊंगा सुन्नियत पढ़ाऊंगा सुन्नियत दिखाऊंगा सुन्नियत ही समझाऊंगा मुझे अपनी सुन्नियत के लिए किसी मौलवी साहब के फतवे की ज़रूरत नहीं मैं हुसैनी सुन्नी हूँ नासबी सुन्नी नहीं मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूँ चौथे नंबर वाला नहीं इसलिए दाएं बाएं किसी को कोई मसला हो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करें इसकी थोड़ी सी आवाज़ बोलें किसी को कोई मसला हो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मिले मैं जो कुछ सुनाऊंगा अहले सुन्नत की कुतब से दिखा के जाऊंगा जो अहले बैते तहार से मोहब्बत करते हैं उनकी कोशिश होती है कि उनको कोई भी मौका मिले कोई चांस मिले तो वो किसी के साथ जब गुफ्तगू करें जब कलाम करें जब बात करें तो वो अहले बैत का ज़िक्र करते हैं चाहे वो कोई ऑफिस हो या कोई शादी का प्रोग्राम हो या किसी के घर गए हों तो
जो किसी का आशक होवे उसे दी गल करदा, सौ सौ मकर बहाने करके ते मरने ओदे ही मरदा। तो अहले बैत के जो मुहिब होते हैं, जो गुलाम होते हैं, उनका तो ओढ़ना बिछोना ही जिक्र अहले बैत होता है। तो जब आप किसी से अहले बैत का जिक्र करते हैं, हुज़ूर की आल का जिक्र करते हैं, तो आगे से लोग आपको कहते होंगे कि भाई कौन है जो अहले बैत को नहीं मानता। हम मानते हैं, कुछ शिया ठेकेदार हैं। अगर कोई ये जुमला कहे कि हम अहले बैत को मानते हैं, तो मैं उनसे एक बात करता हूं, हजरत जी, अलामा जी, कारी जी, फकत ये कहने से कि मैं अहले बैत को मानता हूं, कोई अहले बैत को मानने वाला नहीं बन जाता। जो अहले बैत को मानता है उसे ये कहने की जरूरत ही नहीं कि मैं मानता हूं, उसके अमल से पता चल जाता है। वो जब कलाम करता है उसके कलाम से पता चलता है, उसकी गुफ्तार से पता चलता है, उसके फेल से पता चलता है कि किन को मानता है। तो पता चला कि फकत ये इकरार कर लेने से कि मैं अहले बैत को मानता हूं, ये अहले बैत को मानने की कोई दलील नहीं। अगर आप दुनिया में किसी से मोहब्बत करें तो सच्चा मुहिब वही होता है जो महबूब के दुश्मन को भी दुश्मन समझे। ओए होए, वो महबूब के दुश्मन को दुश्मन माने, महबूब के दोस्त को दोस्त माने, वो यही है ना मोहब्बत का मेयार। तो हजरत जी, जब आप कहते हैं कि हम अहले बैत को मानते हैं, तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते। अगर अहले बैत को मानते हो तो अहले बैत के दुश्मनों से तल्लक तोड़ना होगा, अहले बैत के दुश्मनों से रिश्तेदारी खत्म करना होगी, उनके कसीदे नहीं चलेंगे, उनके तज़किरे नहीं चलेंगे। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इक्को ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या राजा, या अहले बैत के दर के मंगते हो जाओ, या अहले बैत के दुश्मनों के संग हो जाओ। ये दोहरा मियार होता है मेरे दोस्तों, कि अहले बैत से भी बंदा मोहब्बत के दावे करता रहे और अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे पढ़ता रहे। तो जो अहले बैत के दुश्मनों का यार है, जो अहले बैत के दुश्मनों के कसीदे पढ़े, जो अहले बैत के दुश्मनों के तराने पढ़े, जो अहले बैत के दुश्मनों को रजी अल्लाह कहे, वो किसी भी मसलक का लिबादा ओढ़ ले, कल भी नासबी था आज भी नासबी है, कल भी खारजी था आज भी खारजी है, कल भी यजीदी था आज भी यजीदी है। आपको क्या लगता है कि अहले बैत अतहार को मानना ये कोई खाला जी का घर है? अहले बैत को मानना है तो फतवों के लिए तैयार हो जा, अहले बैत को मानना है तो गालियों के लिए तैयार हो जा, अहले बैत को मानना है तो किरदार कुशी के लिए तैयार हो जा, अहले बैत को मानना है तो गोलियों के लिए तैयार हो जा, बम धमाकों के लिए तैयार हो जा, सोशल बाइकाट के लिए तैयार हो जा। अहले बैत को मानना कल भी मुश्किल था आज भी मुश्किल है। आपको क्या लगता है, आप अहले बैत तार के दुश्मनों को एक्सपोज करेंगे तो लोग आपके गले में फूलों के हार डालेंगे? बोले यार नहीं, नहीं। एक गैर सियासी जुमला कहता हूं, गैर सियासी, ये पांच छह माह से हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो सूरत हाल है आप देख रहे होंगे। बोले वो सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, ये छह सात माह से जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं आप देख रहे होंगे। वो लोग भी छोड़ गए जो कहते थे कि कोई मेरे सर पे गोली भी मार दे मैं नहीं छोड़ूंगा, वो पहले दौर के साथी छोड़ गए। वो यारो पहले दौर के मोमन, वो मोमन कहते हैं मानने वाले को, यानी जब तहरीक का आगाज हुआ था जो उस वक्त के मोमन और साथी थे ना, वो भी छोड़ गए। और वजूहात क्या बनी कि जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने माल की ऑफर की,
ओहदे की आफर की, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, ओहदे की आफर, माल की आफर, टिकट का वादा, मिनिस्ट्री का वादा, वजारत का वादा, फिर भी काम ना चला, फिर डराया गया, फिर धमकाया गया, फिर कैद किया गया। एक दिन भी यार लोग कैद नहीं काट सके। वो जो कहते थे ना कि जान ही इसकी है, एक दिन भी कैद नहीं। अब तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिएगा, इसको इधर ही फेंक दें। यही फार्मूला जो वक्त के उमवी बादशाह नहीं थे, उन्होंने भी यही फार्मूला अप्लाई किया मौला अली अलैहि सलाम के चाहने वालों पे। वो मौला अली अलैहि सलाम के जो कारकुन थे, उनके जो वर्कर थे, उनके जो दीवाने थे, उनके जो परवाने थे, उनके जो मस्ताने थे, उनको भी वक्त के बादशाहों ने ऑफर की, माल की, जगीरों की, ओहदों की, मनसब की। जब ये ऑफर भी काम ना आई, फिर उनको भी डराया गया, उनको भी धमकाया गया, कैद किया गया। एक जुमला कहने लगा, पता नहीं वो कौन सा नशा चख लिया था मीस में तुम्हार ने, वो कौन सा राज पा लिया था हुजर इब्ने अदी ने, वो कौन सी हकीकत जान ली थी हजरत अम्मार ने, हजरत मिकदाद ने, हजरत हुजैफा ने, हजरत जाबिर ने, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने, हजरत अबू तुफैल ने, हजरत बिलाल ने, हजरत सलमान ने। उन्होंने अली की मोहब्बत में सोबते भी बर्दाश्त की, कैदे भी बर्दाश्त की, औलाद को भी कुर्बान कर दिया, तन मन धन भी लुटा दिया, गर्दने भी कटवा दी, जंजीरों समेत। मेरी तरफ आ, अहले सुन्नत की 350 किताबें देता हूं, अल इस्तेआब पढ़ के देख, उस दुलगाबा पढ़ के देख, अल इशाबा पढ़ के देख, तबकात इब्ने साद को पढ़, फजाइले सहाबा पढ़, तारीख तबरी पढ़, इब्ने खल्दून पढ़, इब्ने हिशाम पढ़। उनको ऑफर हुई, जंजीरों समेत, बेड़ियों समेत कब्रों में चले गए, फांसियों पे चढ़ के झूले तो ले लिए, लेकिन किसी एक अली के गुलाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा था मेरा अली ना कोई तल्लक नहीं। ओए होए होए, और पता चला गोलियां तब खाई जाती हैं, जान तब लुटाई जाती है, कैद की सोबतें तब बर्दाश्त की जाती हैं, औलाद तब कुर्बान की जाती है, गर्दनें तब कटवाई जाती हैं, बाजू तब कटवाए जाते हैं जब लीडर अली इब्ने अबी तालिब जैसी जात हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यही बात मैं कह रहा हूं आपको, इस घर को मानना किसी दौर में भी आसान नहीं रहा। और एक बड़ी अजीब सी फिजा है हमारे मुल्क पाकिस्तान की, जो अहले बैत का जिक्र करे, जो मौला अली अलैहि सलाम की अफजलियत का जिक्र करे, जो अहले बैत के दुश्मनों को नंगा करे, शिया हो गया, राफजी है, फतवे आ जाते, राफजी हो गया। पता नहीं इनको ठेका किन्होंने दिया है सुन्नियत का, इनको किन्हों ने ठेका दे दिया कि तुम लोगों को सुन्नी से निकालते जाओ। सुन्नी कहते ही उसे हैं जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होंठों में भी हुसैन हो। ये जो नफरत का सौदा बेचते हैं ना, नफरत फैलाते हैं, ये जो शिया सुन्नी फसाद करवाते हैं, जो शिया सुन्नी इस्लाम के दो अजीम बाजू हैं, जो इनको दस्तों गिरेबां करना चाहते हैं, जो इनको लड़वाना चाहते हैं, ऐसे लोग इस्लाम के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, अहले बैत के दुश्मन, सियाबा के दुश्मन और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इनको फंडिंग होती है, इनको माल मिलता है, चाहे वो डॉलर की सूरत में, चाहे वो रियाल की सूरत में, चाहे वो इंडियन करेंसी की सूरत में, माल मिलता है यार। वो शिया सुन्नी को आपस में लड़वाना चाहते हैं, और ऐसे फतवे आ गए, जहन साजी होती है, तरबियत होती है कि शिया के काम में शामिल नहीं होना, शिया के पास नहीं जाना, उनके जनाजे नहीं पढ़ने, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मगर इफ बट। मैं एक जुमला कहता हूं, जिनको इतनी तकलीफ है ना शिया भाइयों से, इतनी तकलीफ है, अगर वो बाप का है ना
तो पाकिस्तान छोड़ जाए। मुफ्ती जी, कारी जी, अलामा जी, हाजी जी, ये मुल्क पाकिस्तान तेरे प्यो ने नहीं बनाया। जब पाकिस्तान बनाना था तो लीडर एक शिया था, एक शिया लीडर के अंडर, उसकी जेरे क़यादत, उसकी मैयत में, उसकी संगत में अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, आल हदीस भी आए, बड़े बड़े पीर भी आए, सारे मिले, जमा हुए, इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ, इनफरादियत से निकल के इज्तमाइयत में आए, मैं छोड़ के हम हुए। जब एक जगह पे आ गए, तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा, तो फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह ने 14 की बरकत से, 14 के फजल से, 14 के करम से, 14 के फैज से, 14 के वास्ता से, 14 के वसीला से, 14 के फैज से 14 अगस्त को पाकिस्तान अता कर दिया। आपको क्या लगता है कि ये जो 14 अगस्त है ये तारीख इत्तफाकिया है? ओए इत्तफाकिया नहीं, अल्लाह की पूरी प्लानिंग है। अल्लाह जानता था कि 14 के नाम पे मुल्क दे रहा हूं। दो तबकात होंगे इस मुल्क में बिलखसूस, एक तबका 14 को मसूम मानने वाला, आला मुनज़्ज़ा मुसफ़ा पाक साफ ताहिर मुताहिर, और दूसरा तबका सारे इकोजे वाला, सारे इकोजे। जो 14 के फॉलोअर होंगे उनको तो 14 के अदद से भी मोहब्बत होगी, वो लाखों रुपया खर्च करेंगे कि गाड़ी के नंबर में 14 आ जाए, हजारों रुपया खर्च करेंगे कि मोबाइल के नंबर में 5 12 14 72 आ जाए। 14 के मानने वाले तो 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे, लेकिन 14 के मुनकरों पे ऐसा केटू पहाड़ गिराया अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा कि मुनकर भी कहेंगे कल 14 है, परसों 14 है, तरसों 14 है, नया लिबास लवाएंगे, लंगर तकसीम करेंगे, उनको गाजी अब्बास का अलम तो उठाना शायद नसीब ना हो, मुकद्दर में ना हो, एक शिया की तस्वीर वाला सबद रंग का अलम वो भी उठाएंगे, घरों में लगाएंगे, दफातर पे सजाएंगे, गाड़ियों पे लगाएंगे, मुनकर भी 14 14 14 कह के 14 का जश्न मनाएंगे। ये है 14, यह है 14 अगस्त की हिकमत। पिछले साल आपको पता है कराची में एक मीटिंग हुई थी, बड़े बड़े मुफ्तियान सर जोड़ के बैठे थे कि शिया का कोई हल करिए, और ये मैं बातें आपको सुना रहा हूं एक सुन्नी होके। वो कहते थे आजादारी हुसैन के जुलूस को रोकना है, अली वलीउल्लाह वाली अजान को रोकना है। मीटिंग हुई पूरी, सबसे पहले 1.5 घंटे मैंने इसी तरह अहले सुन्नत की किताबें खोल खोल के दिखाई थी, इसका जवाब दिया था। जब भी कोई इस घर की तरफ मुंह करके भौंकता है ना, तो सबसे पहले दर जहरा के टुकड़ों पे पलने वाला ये नौकर आगे बढ़ के उसको इल्मी पटा डालता है। एक भौंका था ना 2-3 साल पहले पाक सईदा के घर की तरफ मुंह करके, गुजरांवाला की मस्जिद से लेके हाई कोर्ट तक 48 घंटे दलाल देके गुस्ताखे सैयदा को उसके अंजाम में तुन दिया था। और ये जो मीटिंग हुई थी, जब ये मीटिंग हुई थी तो मैंने उसका जवाब दे दिया था, इल्मी जवाब, बल्कि वहां मैंने एक जुमला कहा था, और ये निश्तर पार्क में हजार हा के मजमे में शिया सुन्नी के सामने ये मैंने ऐलान किया था। मैंने उसी के घर, उसी के मदरसा में, उसी की मस्जिद के सामने, उसी फितना परवर मुल्ला के सामने मैंने एक ऐलान किया था कि मुफ्ती तू रोकेगा अली वलीउल्लाह की अजान, तू रोकेगा आजादारी हुसैन के जुलूस को, वो तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी जात क्या, तेरे बाप उमैया से लेके जिया तक बड़े बड़े जाबिर आए, बड़े बड़े आमिर आए, अली वलीउल्लाह की अजान को रोकने वाले, आजादारी हुसैन के जलूस को रोकने वाले, वो रोकने वाले मर गए, मिट गए, हवाओं में उड़ गए,
लबैक या हुसैन की सदाएं कल भी आती थी, आज भी आती है, कयामत तक आती रहेगी। मैंने कहा था तुझे, मैंने कहा मुफ्ती तुझे मुगालता लग गया है और तुझे पता ही नहीं हुसैनियों का। बात शिया सुन्नी की नहीं कर रहा, हुसैनियों की। मैंने कहा जा कब्रस्तान चेक कर, आज भी हुसैनियों की कब्रों से लहू टपकता है। तुझे मुगालता लग गया है, ये बुरके पहन के भागने वाली कौम नहीं है। हमने सीनों पे गोलियां खाई हैं, जवान बेटों के लाशें उठाए हैं, लेकिन अली अल वलीउल्लाह पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और ये जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं ना, किरदार कुशी, बम धमाके, जुलूस को रोकना, एफआईआर दे देनी, डीसीओ के वापस चले जाना, डीपीओ के पास चले जाना, मैंने जुलूस गुजरने नहीं देना, मैंने ये नहीं होने देना, मैंने वो नहीं करने देना, अगर मगर इफ बट, ये पता क्यों करते हैं? ये सारे ही बेदलीले जे। ओ जागो यार, थोड़ी सी तबलीग भी सुन लो। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया मुतअद्दद मुकामात पे, जब कुफार हजूर अलैहि सलाम की किरदार कुशी करते थे ना, अक्का अलैहि सलाम की किरदार कुशी, जादूगर कह देते, माज़ल्लाह दीवाना मजनू कह देते थे, किरदार कुशी करते थे, किरदार कुशी, रास्ते में कांटे बिछा देते थे, गड़े खोद देते थे। तो जब ऐसी हरकतें करते थे ना काफिर, तो अल्लाह का कुरान दे रहा, तवज्जो आपने जरा मेरी तरफ रखनी है। अल्लाह ने फरमाया सोने आ, ये जो तेरे रास्ते में गड़े खोदते हैं, ये जो कांटे बिछाते हैं, ये जो तेरी किरदार कुशी करते हैं, जा जाके इनको कह दें कुल, आप कह दें हा तू बुरहानकुम इन कुन तुम सादिकीन, ओए अगर अपने दावे में, अपने मसलक में, अपने अकीदे में सच्चे हो तो किरदार कुशी ना करो, और कांटे ना बिछाओ, गड़े ना खोदो, बाप के हो तो दलील लेके आओ, ओए होए एविडेंस लेके आओ, बुरहान लेके आओ। तो पता चला जो दलील से बात ना करे, जो बुरहान से बात ना करे, जो एविडेंस से बात ना करे, जो रेफरेंसेस से बात ना करे, वो बेदलील है यार। आप कुतबे तफासीर पढ़ के देख ले, कुतबे सैयर का मुताला करके देख ले, ए जिन्ने भी लड़े दे ना, ये सारे ही बेदलीले सन टोटल। तो ये आज जो कुछ हो रहा है, ये इसलिए कि दलील की दुनिया में ये जीरो है, सिफर बटा सिफर। मैं मजलस से शुरू होता हूं, ऐसे भी लोग हैं तो शिया की मजलस, कोई एक शिया का मैंने दुनिया देखी है जहां तक अल्लाह का सूरज चमकता है, मुझे आज तक एक शिया ऐसा नहीं मिला जिसका दावा हो कि मेरी मजलस है। बोलो यार, ये मजलस हुसैन है यार, हाथ धो गई किबला, ये आपकी मजलस है, आपकी मजलस है, आपकी मजलस हुसैन है। एक तो मजलस के नाम से इनको बड़ी तकलीफ है, ये मजलस अरबी का लफ्ज है यार, इसका माना तो जहां कुछ लोग मिलके बैठ जाए, ये जो ड्राइंग रूम नहीं होता हमारा, वो बैठक जहां मेहमान को बिठाते हैं यार, इसे भी अरबी में मजलस कहते हैं। तो की ख्याल है, शिया बहिंदे ने सिर्फ बात समझ में, बड़ी खास बात है इनकी आ नहीं रही, इतने बड़े जाहिल यार। ये मजलस का लफ्ज कुरान वाला और हदीस वाला, हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये मजलस का लफ्ज जो कुरान वाला है, हदीस वाला है, उस पे तो मौलवी साहब को इतराज है, और जो कुरान और हदीस वाला है ही नहीं महफल, उस पे मौलवी को इसरार है। तो पता चला इनको लफ्ज मजलस से प्रॉब्लम इसलिए है, तकलीफ इसलिए है, पीड़ा इसलिए है कि वहां जिक्र हुसैन होता है। हाय हाय हाय, ये असल तकलीफ इनको। आगे चले भाई, तिलावत हुई, हमदो सना हुई, खताब हो रहा है, बोले यार जिक्र अजकार हो रहा है, इनमें कौन सी चीज है शिया सुन्नी वाली जी? और मैं आपको जर्मन बात बताता हूं, मेरे बड़े बड़े आला किस्म के दोस्त, बड़ा नाम है उनका, भी नाम लू आपको पता चल जाएगा, इतनी दी लंबी दाढ़ियां, मामे मुफ्ती बने हुए, मुझे कहते हैं कि लामा साहब दिल तो बड़ा करता है कि असी भी जाके शिया की मजलस से तकरीर करिए, क्योंकि जब अहले बैत का जिक्र करें ना शिया में, तो शिया को मार्फत बड़ी होती है,
शिया दाद बड़ी देते हैं तो साडा मजमा सुन रही है। मुझे कहते कब किबला कसम से मुझे कहते, तो मैं कहता आओ बिस्मिल्लाह आओ, और मैं कह शिया तो कौम ही इंज दीजे ए जे सच्चे मुहिब यह नहीं देखते दे के अहले सुन्नत देवबंद अल हदीस यह कहड़ा है जेड़ा भी आए पाकां दा जिक्र करे ओए होए। वो मैं कहता हूँ आओ बिस्मिल्ला, तो पता क्या कहते हैं मुझे, दिल तो बड़ा करता है, बड़े बड़े नाम हैं उनके, मुझे कहते दिल बड़ा करता है लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। मैंने कहा बिस्मिल्ला, अलम नहीं आगे होना चाहिए, पीछे ब्लैक कपड़ा नहीं होना चाहिए, मजलसे अजा नहीं लिखी होनी चाहिए, तो फिर पढ़ांगे। मैं क्या इन शर्त लाओगे ना मुफ्ती जी तो शीए जुते ही मारनगे पढ़ाणगे नहीं। वो मैं क्या अल्लाह दे बंदे हो कोई शर्म करो कोई हया करो, वो अलम शिया दा है, वो अलम से तकलीफ यार। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं परमानेंट, कोई माई का लाल कब्रों से भी अपने बड़े निकाल के ले आए, परमानेंट चैलेंज है मेरा, टाइम क्यामत तक के लिए दे रहा हूं, मेरे सामने आए, मैं अहले सुन्नत की 350 किताबों से साबित करता हूं कि ये अलम इस्लाम का है। जागो यार, इसमें शिया सुन्नी वाली बात ही नहीं, मैं हाथ जोड़ के तबलीग कर रहा हूं, असर करे ना करे सुन तो ले मेरी बात, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद, अंदाजे बयां गरचे बहुत शोख नहीं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आप बुखारी पढ़ के देखे, मुस्लिम, तिरमजी, अबू दाऊद, नसाई, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सियूती, बेहकी, तबरानी, कादियाद, इब्न हजर मक्की, अलामा अलूसी, फखरुद्दीन राजी, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हम्बल, अहले सुन्नत की कोई किताब ले आए मेरे सामने। हमारे मुहद्दसीन ने पूरे पूरे चैप्टर कायम किए अलम पे, अलम पे। मैंने एक किबला लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, मेरी किताब भी है, 25 से ज्यादा अहले बैत की अजमत में मैं किताबें लिख चुका हूं, अलम की हकीकत पे भी मेरी एक किताब है, यूट्यूब के ऊपर एक मेरा पूरा लेक्चर भी पड़ा हुआ है, मैंने ऐसे किताबें खोल खोल के दिखाई हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखो, देवबंद, अल हदीस, ब्रेल भी। उन्होंने मुझे कुछ मिले, कुछ कई लोग ऐसे उन्होंने मुझे कॉल्स की कि अलामा साहब आपका लेक्चर सुन के हमने अपने घरों में अलम लगाए। ओए अल्लाह दा वास्ता जे सुनियो, ओए लगाओ अलम करा दे, और तुम्हें किसी ने गलत बताया है, ओए अलम नहीं जे शिया दा, ओए लगाओ अलम, ओए अलम लगाने से तुम्हें कोई शिया नहीं कहता, लगाओ, ये इस्लाम का अलम है। वो पाकिस्तान का अलम, पाकिस्तान का, ईरान का, ईरान का, सूडान का, सूडान का, सऊदीया का, सऊदीया का, इस्लाम का किथे गया? ओए होए। वहां पे मैंने किबला 350 अहले सुन्नत की किताबें खोल खोल के दिखाई हुई हैं, बुखारी मुस्लिम से। मैंने कहा जो इमाम महदी अलैहि सलाम का जब जहूर होगा तशरीफ लाएंगे उनके हाथ में भी यही अलम होगा। और एक हवाला भी मैंने शिया किताब का नहीं दिया, न जिंदगी बार में कभी दिया। और क्यामत के रोज जो लिवाए अहमद होगा ना, जो मौलाली अलैहि सलाम के हाथों में होगा, सारे नबी भी उस अलम के नीचे होंगे। मौलवी जी आ मेरी तरफ, वो भी है काला ही होना ही। ओए होए। अच्छा, आप अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारी सही बुखारी में एक पूरा चैप्टर है ग़ज़वा खैबर का, तवज्जो में इत्तेफ़ाक़ रखनी है आप, पूरा चैप्टर है बुखारी में मुस्लिम में, शायद ही कोई किताब हो जिसमें यह चैप्टर ना हो। ग़ज़वा खैबर का चैप्टर खोल लें आप, 40 रोज का अल्टीमेटम था कि 40 रोज के अंदर अंदर इस किले को फतह करना है, 39 दिन। बड़ी खास बात मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, कोई माई का लाल मेरी कई बात को रद्द नहीं कर सकेगा, जो रद्द करे किबला हां ये कहेगा कि शिया हो गया, राफ़िज़ी हो गया, लेकिन बात को रद्द नहीं कर सकेगा। पहले दिन तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा, पहले दिन आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, ये खैबर की बात सुना रहा हूं, इमाम हाकिम की मुस्तदरक खोलो, अहले सुन्नत के सर का ताज, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं, मैं वक्त बचा रहा हूं। हजरत अबू बकर को बुलाया, तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा, मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया, अबू बकर ये पकड़ अलम, ये पकड़ अलम, तू बन जा अलमदार, तू बन जा अलम बरदार, तू बन जा इस लश्कर का कमांडर,
तू बन जा लीडर, जाके हमला कर। अब हजरत अबूबकर सदीक ने पकड़ा आलम, आलमदार बन के, कमांडर बन के, फौज लेके हमला किया। अब किताबें कहती जब हमला किया, मरब साहब आए तो लश्कर सारा वापस तशरीफ ले आया। वो यारो, इससे बड़ा अदब का जुमला मेरे पास नहीं। मैं वो जुमला बता रहा हूं जो किताबों में नहीं लिखा। अगले दिन आओ मेरी तरफ, अगले दिन मेरे आका ने आलमदार चेंज कर दिया। हजरत उमर बिन खताब को बुलाया, उमर इधर आओ, कल अबू बकर को भेजा था वो तो हो गया नाकाम, अब तू पकड़ आलम, तू बन जा आलमदार, तू बन जा कमांडर। कोई मेरी बात को गलत साबित कर दे, सारी ये आलम पाक है मेरे हाथ में, सर पे रखता हूं, सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी करूंगा, वल्दियत में उसका नाम लिखवा लूंगा। आगे चल, ला मेरी तरफ अहले सुन्नत की किताबें। हजरत उमर को दिया आलम, ये पकड़, तू बन आलमदार, तू बन कमांडर, तू कर हमला। अब हजरत उमर आलमदार बन के फौज लेके गए, मरब साहब आए, लश्कर वापस। हर रोज मेरे आका आलमदार चेंज करते रहे, करते रहे, करते रहे। हजरत जी हुण पता लग्या तेन आलम की इन्नी तकलीफ क्यों है? पता चला मेरे मुस्तफा ने अली और अली की औलाद से पहले आलम औरों को भी दिया था। ये अलग बात है कि वो आलम संभाल नहीं सके। ओए होए 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 होए, लो जी 39 दिन तक आलमदार चेंज होते रहे। जब 39 दिन हो गए, तवज्जो में इतने रखिएगा, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए हजूर की बारगाह में हाजिर हुए, रोना शुरू कर दिए। हजूर पूछते हैं सलमान रोता क्यों है? हजरत सलमान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने ऐलान फरमाया था कि 40 रोज के अंदर अंदर इसे फतह करना है। 39 दिन तो गुजर गए, हर रोज आप कमांडर भी तब्दील करते हैं, आलमदार भी तब्दील करते हैं। जो हालात मैं देख रहा हूं ना आका, ये कल भी फतह होता नजर नहीं आ रहा। तवज्जो मेरे तो रखनी है, तो रोता इसलिए हूं कि बात आपकी इज्जत पे आ गई है। नहीं समझे यार, यारो आप समझदार हैं। मैं आपको कह दूं कि कल कश्मीर आजाद हो जाएगा, मैं कहता हूं हो जाएगा, मैं ऐलान कर रहा हूं हो जाएगा, अगर ना हो। यारो आपने पूछना तो है ना, तरजी आपने कहा था हो जाएगा, होया तो कोई नहीं। हजरत सलमान फारसी रोते, यार सुनना रोता इसलिए हूं कि बात आपकी इज्जत पे आ गई है। मौलवी हुण भी नहीं पता लगे अली दा, ओए जो नबी की इज्जत बचाए ना उसे हैदर करार कहते हैं। ओए होए होए होए, हजरत सलमान फारसी रो रहे हैं, मेरे आका फरमाते हैं सलमान रो ना। हजरत सलमान फारसी अर्ज करते, यार सुनना रोता इसलिए हूं, साडे वास की गल ही कोई नहीं। मेरे आका ने फरमाया हां हां हुण उन्हें ही बुलावांगे जिदे वास की गल है। मेरे आका ने फरमाया अदरक नहीं या अली इब्ने अबी तालिब। मेरे आका फरमाते अली आ जा, तेरी लोड पै गई है। ओए या अली मदद के मुनकरो, ओए नबियों के मददगार को अली कहते हैं। यहां एक हमारी सही बुखारी में एक जुमला इरशाद फरमाया मेरे आका ने फरमाया बस भाई 39 दिन तुम लोगों ने, हर एक को मैंने अलम देख के देख लिया, 39 दिन हो गए तुम्हें, लंगर भी खाते हो, ऊंट भी दिबा होते हैं, रोज जाते हो, रोज आते हो, करते कुछ नहीं। तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा, मेरे आका ने फरमाया बस भाई कल अलम मर्द को दूंगा। ओए होए होए, कल आलम बोलो, कल आलम मर्द को दूंगा, उसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा। और मर्द कौन सा है? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ओए बुखारी दे रहा हूं बुखारी के ठेकेदारों को, बेशके अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। मेरे आका फरमाते कल आलम मर्द को दूंगा। यार रसूल अल्लाह, यार अली, यारो यार रसूल अल्लाह,
वो 39 रोज तक जिनको आप अलम दे के हर रोज भेजते थे वो भी तो मर्द ही थे यारो। अगर पहले होती औरतें तो बात जल्दी हमारी समझ में आती कि यार सुल्ला ठीक है, पहले चूंकि औरतें लेके जाती थी अलम तो औरतों से फतह नहीं हुआ, तो लिहाजा अब कल मर्द को दूंगा, तो बात जल्दी समझ में आती ना यार। तो जब पहले 39 रोज तक भी अलम लेके जाने वाले मर्द ही थे तो हजूर ने फिर ये क्यों फरमाया कि कल अलम मर्द को दूंगा? अगले जुमले में मेरे आका ने इसका भी जवाब दे दिया, फरमाया लैसा बि फरारिन। ओए होए हजरत, मेरे आका ने फरमाया कल अलम उसको दूंगा, उस मर्द को जो फरार नहीं जो करार है। यारो एक मर्द की डेफिनेशन हम करते हैं, हम समझते हैं शायद मर्द वो होता है जिसकी मूछें बहुत बड़ी हो या सीना बड़ा चौड़ा हो या जब घर में जाए तो घर वाले डर जाए, जो ज्यादा बीवी को गालियां दे वो मर्द है। मेरे आकर फिर मर्द वो है जो मैदान से फरार ना हो करार हो। बोलो यार, यानी एक जुमला यहां मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों के सामने हाथ जोड़ के जुमला पूछता हूं, उनके कदम भी चूम लेता हूं यार। अब मौला अली अलैहि सलाम को बुला के हजूर ने अलम दिया ना, बोले हजूर ने कि हजरत बिलाल ने, हजरत सलमान ने, हजूर ने अलम दिया, यानी बुला के दिया मौला को, बुला के दिया ना जी। तो इसका मतलब है अगर यही अलम, हालांकि पहले एक एक को दे दिया था, ये अलम है शिया का मौलवी जी हजरत उमर बिन खताब कहते हैं, साद बिन वकास कहते हैं कि मेरी जिंदगी भर की कोई नेकियां ले जाता, बस वो कल वाला अलम जो फतह वाला ना वो मुझे मिल जाता। वो सारी रात सोए नहीं से आबा, दुआएं करते रहे, अलम था शिया का तो दुआएं करते रहे से आबा नहीं समझे। मैं एक जुमला कहता हूं अपने सुन्नी भाइयों के कदम चूम के, ईमान से जाके अपने मौलवी साहब से पूछिएगा, वो कल वाला आलम अगर मेरे आका हजरत अबू बकर को दे देते, हजरत उमर को देते, हजरत खालिद बिन वलीद को या साद बिन वकास को दे देते, तो फिर मुझे बताएं हर सुन्नी ने ये आलम अपने घर में लगाना था कि नहीं? पता चला हजरत जी तकलीफ तुझे अलम से नहीं, अलम वाले से है। और यहां एक बड़ी खास बात है, यह मैंने जरूर सुनानी है आपको। वो दो ही बातें इरशाद फरमाई ना मेरे आका ने आले सुन्नत की 350 किताबों में कि कल अलम मर्द को दूंगा, दो ही बातें, मर्द ते अलम। बोलो यार, मर्द ते, यानी मर्द का तल्लक अलम के साथ, अलम का तल्लक मर्द के साथ, नहीं समझे? कल अलम मर्द को दूंगा, मर्द को क्या औरत को, मर्द को, यानी कल अलम मर्द को दूंगा, मर्द का तल्लक अलम से, अलम का मर्द से। पता चला हजरत मेरे आका ने ऐलान फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा, कल अलम मर्द को दूंगा, बस खैबर से लेके कराची की सड़कों तक 1400 सालों से दुनिया के सारे नाम मर्दों को अलम से भी तकलीफ है और अली से भी तकलीफ है। ओए होए होए, कोई अलम का तो अल्लाह की मर्द के साथ है। मुफ्ती साहब मुझे कहते हैं कि बला जो पढ़े लिखे दोस्त बाप बैठे जो सोशल मीडिया से अटैच हैं उनको पता है मैंने कितने दलाल दिए हुए हैं। मुफ्ती साहब मुझे कहते हैं पिंडी के अलामा साहब गलते तो ठीक है, ये अलम वाकई साढ़ा सुनिया है, शिया ने इसकी शक्ल बदल दी, शेप बदल दी। मैंने कहा क्या हुआ मुफ्ती साहब? पंजा बना दिता। तवज्जो जरा मेरे पर रखिएगा। मैंने कहा मुफ्ती साहब बात ठीक है आपकी, आप ऐसा करें ना पंजा ना लगाएं। ओए होए,
और मैंने कहा मैं पूरी शिया कौम की तरफ से गारंटी देता हूं, कोई एक शिया आके भी तुझसे ये नहीं पूछेगा कि पंजा क्यों नहीं लगाया। वो मैं कहा पंजा ना ना लगा, घर ते अलम ला ते शिया नू दस वो भाई आया जी असली। मैंने कहा लगाता तू है नहीं, तो जो लगाते हैं उन पे अगर मगर करता है, इसका मतलब है कि पीड़ा होर ते फकियां होर। और अगली बात सुने, ये जो मौला अली और अली अलैहि सलाम की औलाद के साथ मंसूब हो गया ना अलम, ये उन्होंने ऐसे मुफ्त में नहीं ले लिया। ओए होए, मैं अभी किताबें खोल खोल के दिखाता हूं, बड़े बड़े नाम जो मैदान में अलम फेंक के भागे थे। तुझे क्या लगता है कि मुफ्त में लगे आलम इनको? इन्होंने तन मन धन लुटाया है, बेटे कुर्बान करवाए, हाथों पे बेटे कुर्बान करवाए, मुस्तफा का आलम नहीं नीचे आने दिया। कयामत तक पूरी कायनात गवाह हो जाएगी, जब तक सूरज चमकता रहेगा, जब तक चांद निकलता रहेगा, जब तक आसमान के दामन पे सितारे टिमटिमाते रहेंगे, जब तक हवाएं चलती रहेंगी, जब तक फिजाएं चलती रहेंगी, बल्कि जुमला कहने लगा मुबालके का सीगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब तक खुदा है गाजी अब्बास का आलम यूं ही लहराता रहेगा। हाय 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 हाय, क्यामत के रोज भी यही आलम होगा, और क्यामत के दिन बचेगा ही वो जो इस अलम के साए के नीचे होगा। तुझे किसने बता दिया कि ये अलम शिया का है? वो अकल के अंदो दलील लेके आओ, ये इस्लाम का अलम है, अलम के बगैर गुजारा ही नहीं, अलम के बगैर चारा ही नहीं, ये पहचान है हुसैनियों की, पता चलता है किस घर को मानने वाला है। ओए होए, इसलिए मुझे बताएं अलम फिर रह गई शिया सुन्नी वाली बात, मजलस रह गई शिया सुन्नी वाली बात, जिक्रे हुसैन रह गई शिया सुन्नी वाली बात। एक और ये बड़ी खास बात है, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, एक बात है जो हजूर फरमाते हैं वो होती है हदीस। जो पढ़े लिखे दोस्त बैठे, हदीस का मतलब होता है गुफ्तगु, कन्वर्सेशन, मैं करूं आप करें, हदीस है। लेकिन इसकी जो इस्तलाही टर्म है ना, इस्तलाही टर्म, वो हम कहते हैं जो हजूर ने फरमाया हो ना वो हदीस है, बोले। और सुन्नत कहते हैं जिस पे हजूर ने अमल करके दिखाया हो, यानी हजूर ने फरमाया सल्लू नमाज पढ़ो, क्या करो, कमाराई तो मुनी उसली, जैसे मुझे पढ़ता देखते हो ना उस तरह करो तो नमाज हो जाएगी। अब हजूर की तरफ हजूर ने पढ़ के दिखाई, ये सुन्नत है। अच्छा, एक दिन में 5 मरतबा हजूर नमाज पढ़ाने के लिए आते थे मस्जिद नबवी में के उजरे में जी, पब्लिकली सरेआम सबके सामने यार 5 दफा आते थे, हर रोज आते थे, हर रोज आते थे। ओ यारो, जो हर रोज 5 दफा हजूर अपनी सुन्नत दोहराते हो दिखाते हो, मौलवी साहब तो आज तक मोहम्मद जैसी नमाज नहीं पढ़ सके, गदीर तो सिर्फ एक बार ही आया था। ओए होए, यारों जो हदीस फरमा दे, हदीस जिस पे अमल करें वो सुन्नत। आप ऐसा करें, ये जो जुमा आ रहा है परसों, परसों ही है, आप जुमा पढ़ने जाएं अपने करीब वाली मस्जिद में, शिया भाइयों को कह रहा हूं, वो तुहाडा तो हो ही जाता है, कहता है जी शिया का नमाज जनाजा नहीं पढ़ना, निकाह टूट जाएगा। वो मैं कह यार, कई शिया दोस्त ने मेरे वाल साहब फौत हो जाए, अगली साहब ते खड़े हैं, मैं कह शिया का ईमान यार एडा ही मजबूत है, मौलवी साहब ने मैं कहा, मैं कह शिया के ईमान को कुछ भी नहीं होया तो साडा एडा ही कच्चा है। ओए होए, पता नहीं ये कहाँ से गाड़ ली इन्होंने ये चीज़ें, यार कहाँ से गाड़ ली हुई हैं ये चीज़ें, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर मगर इफ बट, क्या बात कर रहा था मैं, सलावात पढ़े। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जुमे को आप जाए जुमा पढ़ने के लिए, जब जुमा हो जाए तो मौलवी साहब के पास जाके बैठ जाए, उससे कहें मौलवी जी, अलामा जी, कारी जी, मुफ्ती जी, जब आप खुतबा जुमा दे रहे थे ना, खुतबा जुमा, तो मैंने एक चीज को गौर से देखा है, नोट किया है, आप एवं ही
खुतबा के दौरान नीचे बैठ गए। आपकी कमर में दर्द था, कोई मेडिसिन ला देता हूँ आपको, बीमार थे आप, ये पूछना है आपने। मौलवी साहब कहेंगे नहीं यार कमर में दर्द तो नहीं था, बीमार भी नहीं था मैं, ठीक था, तो बैठे क्यों ऐवें ही? वो कहते बैठा इसलिए हजूर की सुन्नत अदा की है। हजूर की सुन्नत, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुन्ना? ये सुन्नत है क्या? द एक्ट ऑफ द होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, दैट इज कॉल्ड सुन्ना। जो हजूर ने अमल किया उसे सुन्नत कहते हैं यार। मौलवी साहब कहेंगे नहीं तबीयत नसाद नहीं थी, हजूर की सुन्नत अदा की। अच्छा हजूर जब खुतबा दे रहे होंगे जुमा का, हजूर की तबीयत नसाज होगी, कमर में दर्द होगा ना, तो हजूर थोड़ी देर आराम फरमाने के लिए नीचे बैठ गए होंगे। जामे तिर्मिज़ी देने लगा, हमारी सियासत्ता की तीसरी सबसे बड़ी किताब। मौलवी साहब कहेंगे नहीं हजूर की तबीयत तो नसाज नहीं थी, तो और बैठे क्यों? बैठे इसलिए कि खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, यकायक अचानक सडनली मस्जिद नबवी में हसनैन करीमैन तशरीफ ले आए। मेरे आका ने खुतबे को मोखर कर दिया, मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, हसनैन करीमैन को उठाया, गोद में बिठाया, फिर अल्लाह की इबादत शुरू की। हो सकता है कि मौलवी साहब कहें वो खुतबा कौन सा अल्लाह की इबादत है, आपने लड़ाई नहीं करनी, आपके पास दलील है। आपने कहा जो ठीक है मौलवी जी, मैं लड़ाई नहीं करता, मैं लड़ाई नहीं करता, चलो मान लेता खुतबा अल्लाह की इबादत नहीं, सजदा तो अल्लाह की इबादत है ना, तहारतों के तकद्दस का ज़हन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है, मेरे हबीब सजदे को तरह लंबा कर दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। पता चला मौलवी जी आज तू खुतबा देता है, तेरी मस्जिद में हसनैन करीमैन तशरीफ नहीं लाते, आज 1400 साल से तू मुस्तफा की सुन्नत को फॉलो करता है, मानता है, जरा गौर तो कर और लोगों को बताता क्यों नहीं कि ये सुन्नत है कौन सी। पता चला जब तक तू अपने खुतबा में, अपने जुमा में हसनैन करीमैन वाली सुन्नत अदा नहीं करता मौलवी जी, ना खुतबा होता है, ना जुमा होता है, ना क्याम होते हैं, ना रुकू होते हैं, ना सुजूद होते हैं। ओए होए होए। और उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मा रवायत करती हैं, वो गाली बक गई। अम्मा कहती जब पाक सईदा अपने बाबा जान को मिलने के लिए तशरीफ लाती ना, तो जब आका देखते पाक सईदा को, रहा बाबे हा वकाम आई रही हा फआखज़ बिय देहा फकब्बलहा वअजलसा फी मजलसही। अम्मा कहती है दरवाजे, घर के अंदर की बात है ना, तो घर के अंदर वाले बता रहे हैं, वो कहते दरवाजे तक जाते हजूर और जाके खुश आमदेद कहते पाक सईदा को, दरवाजे तक जाते, हाथ पकड़ते, चूमते और अपनी निशिस्त पे बिठा के पास खड़े हो जाते। पता चला दरवाजे तक जाना मुस्तफा की हदीस, और सुन्नत यार की हो गया जे, हाथ पकड़ना सुन्नत, चूमना सुन्नत, निशिस्त पे बिठाना सुन्नत, और अहले सुन्नत, ओए सुन्नत वाले यार, सुन्नत अहल हदीस, हदीस वाले अहले सुन्नत, सुन्नत वाले। तो पता चला हजरत जी सुन्नी वो नहीं जिसकी दाढ़ी देश गाज है, सुन्नी वो नहीं फकत जिसके रंग बिरंगे इमामे हैं, जो पाक सैयदा का नाम सुन के गर्दन झुका ले, नजरे नीची कर ले, वो है अहले सुन्नत जो पाक सैयदा को खता पर कहे। लानती हो सकता है सुन्नी नहीं हो सकता, वो सुन्नी तो कहते ही उसे है जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होठों पे भी हुसैन हो। तो मैं नुक्ता ये समझा रहा हूं कि ये जो गदीर अलियन वलीउल्ला, ये जो अलियन वलीउल्ला है, अगर तो हजूर फरमा देते ना मन कुन तो मौला हफाज अलियन मौला, जहां तशरीफ फरमा होते तो ये होती हदीस, क्या होती? हजूर फरमा देते सहाबा को, भाई जिसका मैं मौला हूं ना उसका अली मौला, ये बन जाती हदीस। और एक मकतब फिक्र है हमारे यहां, कहते हैं हम है अहल हदीस, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, वो कहते हैं हम हदीस वाले। अगर हजूर फरमा देते भाई मन कुंत मौला हुफाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो ये सिर्फ होती हदीस, तो सुन्नत ना रहती। अब मेरी तरफ आए जरा, हजूर अलैहिस्सलाम ने क्या किया? हिस्ट्री का सबसे बुलंद मिंबर लगवाया गया, जागो यार, सबसे ऊंचा बुलंद, हजरत बिलाल को का ऐलान करो, अजान पढ़ो, दाएं बाएं आगे पीछे कुर्बो जवार जो घूम फिर रहे थे सारे इकट्ठे किए,
मिंबर के ऊपर खुद तशरीफ फरमा हुए, अली अलैहिस्सलाम को साथ अपने खड़ा किया। और बोलो यार, दोनों हाथ अली के पकड़े ऐसे। ये जो हजूर मौला अली के ऐसे हाथ पकड़ रहे हैं, ये हदीस है? ओए ओए ओए, बोलो यार ये क्या है? वो ये सुन्नत है यार, ये क्या है? बड़ी खास बात देने लगा हूं। अब गदीर के मिंबर के ऊपर एक मुस्तफा, दूसरे मुर्तजा, बाकी सारी कायनात दोनों भाइयों के कदमों के नीचे। ओए हुण भी नहीं पता लगे अली दा। ओए अली कहते ही बुलंदी को है। मेरे मौला जिस घर में है, काबा का माना भी बुलंद है। मेरे मौला जहां आराम फरमा रहे, लुगत खोल, नजफ का माना भी बुलंद है। ओए अली कहते ही बुलंदी को है। एक जुमला कहने लगा हूं, ऐसे मेंबर के ऊपर खड़ा करके, हाथ पकड़ के, बुलंद करके, ये हजूर जो हाथ पकड़ रहे हैं ना और बुलंद कर रहे हैं, ये सुन्नत है। ओ यार सुन्नत है। अब सुन्नत नहीं छोड़ी, ऐसे करके सुन्नत रखी। अब चेहरा मुबारक सियाबा की तरफ किया, सुन्नत उसी तरह कायम है। चेहरा सियाबा की तरफ करके अब हदीस बयान की। ओए होए, खासा दी गल आ गई। सुन्नत इसी तरह है, साथ हदीस के मन कुंत मौला हो फहाजा अली अन मौला। हजरत मेरे आका जानते थे, मेरी उम्मत में एक तबका होगा जो खुद को कहेगा हम हैं अहल हदीस, हजूर की हदीस वाले। दूसरा तबका होगा जो कहेंगे हम हैं अहले सुन्नत, हजूर की सुन्नत वाले। मेरे आका ने अहले सुन्नत को एक पैगाम दिया, सुन्नी वो होगा जो मेरी सुन्नत को मानेगा। ओए सुन्नियो, मेरी सुन्नत समझ के अली को आका मान लो, अली को मौला मान लो, अली को पीर मान लो, अली को मुर्शद मान लो, अली को मालिक मान लो। और ऐ अहल हदीस हो, और मेरी हदीस समझ के अली को मौला मान लो, अली को आका मान लो, अली को मालिक मान लो। पता चला हजरत जी, जो अली अन वलीउल्लाह का मुनकर हो जाए, जो अली की वलायत का मुनकर हो जाए, ना अहल हदीस रहता है, ना अहले सुन्नत रहता है। ओए होए होए, ना अहले हदीस है तो ना अहले सुन्नत। तो पता चला, इसलिए मेरे अक्का ने सुन्नत और हदीस को जमा किया था, जमा करके दुनिया को बुलाया। बल्कि मेरी ना मानो, हजरत अबू बकर उमर की मान लो। ओए हजरत अबू बकर और उमर को मानने वालों, उनको मानते उनकी क्यों नहीं मानते? बस मैं खत्म करने लगा हूं, ये घंटे डेढ़ घंटे में मैं स्टार्ट होता हूं, मैं खत्म करने लगा हूं, आप परेशान ना हो, किबला भी बैठे हुए। मैं एक जुमला बड़ा खास है, हजरत अबू बकर हजरत उमर सबसे पहले आगे बढ़े, सबसे पहले जब आगे बढ़े एक जुमला का है, वो जुमला इतना तवज्जो तलब है। जो कहते हैं शिया दा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसीय रसूलुल्लाह खलीफा तू बिला फसल, मैं कहा मौलवी जी अगर यही कलमा अहले सुन्नत की 70 किताबों से जन्नत के मरकजी दरवाजे पे लिखा दिखा दूं, मौलवी तो मान लेगा। ओए यही कलमा अल्लाह के अर्श पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा। आ मेरी तरफ जरा, बड़ी खास बात मैंने समझानी है। सारा साल याद रखेंगे, शर्त है कि तवज्जो जरा मेरी तरफ रखें, जरा दुरूद पाक पढ़े। ये जो कलमा है, बात इस पे है, कलमे पे इतराज़ है, शिया का कलमा। किन का? शिया का कलमा है, यानी अली वलीउल्लाह कहते शिया का कलमा है। अब हजरत अबू बकर और हजरत उमर क्या कह रहे हैं? बख बखला का या अली इब्ने अबी तालिब, अंता मौलाना व मौला कुल्ले मुस्लिमिन व मोमिनिन व मोमिनतिन। ओए अली वलीउल्लाह के मुनकरा, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद बुग्ज अनाद कीना अदावत के पर्दे हटा के सुनो, एक हैदरी की ललकार सुनो। हजरत अबू बकर और उमर कहते हैं मुबारक हो, मुबारक हो ऐ अबू तालिब के बेटे, आज से तू अबू बकर का भी मौला, उमर का भी मौला। अल्फाज पे गौर करें, हर मुस्लिम का तू आका,
हर मोमिन का तू आका, हर मोमिना का तू आका। हजरत अबू बकर और हजरत उमर कह रहे हैं कि मुस्लिम ही वो होगा, ओए मोमन ही वो होगा। ओ सुनो यार, मोमना ही वो होगी जो फकत ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे, फकत मोहम्मद रसूलल्लाह की गवाही दे, वो फकत ये दोनों गवाहियों से मोमन नहीं। मैं कह रहा हूं, ओए हजरत अबू बकर और हजरत उमर कह रहे, फरमाया मोमन ही वो होगा जो अली वलीउल्लाह की गवाही देगा। ओए होए 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 होए, बल्कि हमारी किबला माशाल्लाह, आप तो मुझे सुनते रहते, हमारी अहले सुन्नत की 70 किताबों में यह रवायत है हजरत अबू बकर सिद्दीक से। मैं यार दिखा के जाऊंगा, मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है, मैंने ये तो नहीं कहना घर जाके देख लेना, वो दिखा के जाऊंगा यार। आजकल तो गूगल का जमाना है, सारी दुनिया आपके फिंगर टिप्स के नीचे, अभी सर्च करें सारा कुछ पीडीएफ में मिलेगा आपको। हजरत अबू बकर कहते हैं क़यामत के रोज जब सारी कायनात हिसाबो किताब के बाद सुरखरू होकर पोल सिरात से गुजर के जब जन्नत जाने लगेंगे ना, तो जब पोल सिरात पे पहुंचेंगे अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, वाकिफूहुम इन्नहुम मसअलून। और किधर मुंह चुके आज, इनको रोको। जब उनको रोका जाएगा तो पता क्या कहेंगे आगे से, मैं नहीं कह रहा, हजरत अबू बकर कह रहे हैं। वो कहते आगे से कहेंगे देखो नमाज अल्लाह ने हमारी कबूल कर ली, रोजे कबूल, हज कबूल, उम्रे जोहद वरा तकवा तहारत यकदा बेदारी सारा कुछ कबूल हो, वह मैदान से होके आए, हिसाबो किताब पास होके आए। ये देखो अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, ओ नमाजें पास करवाने वालों, रोजे पास करवाने वालों, हज पास करवाने वालों, उम्रे पास करवाने लो, खबरदार आओ हजरत अबू बकर का अकीदा बताऊं, उनका विजन बताऊं, उनका नजरिया बताऊं। हजरत अबू बकर को मानने वालों, ओ सुना नजरिया, वो कहते हैं मेरे समेत कोई उस वक्त तक पुल सिरात से गुजर के जन्नत जा नहीं सकेगा जब तक अली वलीउल्लाह की गवाही नहीं देगा। ओए होए होए होए, यानी हजरत अबू बकर कह रहे हैं वो जन्नत में वही जाएगा जो पुल सिरात से अली अली करता जाएगा। आप मुझे बताएं ईमान से, ये रह गए शिया सुन्नी वाली बात बोले। चलो बिला फसल पे एक रवायत, बात खत्म। हालांकि मैंने पूरा साबित करना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वसी रसूलुल्लाह, ये पूरा अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह खलीफा तू बिला फसल, ये सारा साबित करना था। लेकिन एक फिर कभी सही एक जरूर सुनाना है। वो कहते हैं आपको पता है कि सोशल मीडिया पे दो तीन मौलवियों का ये क्लिप वायरल था, मैंने कहा दोनों ही मर गए हैं, आप दोनों ही मर चुके हैं, एक क्लिप वायरल हुआ उनका। वो कहते हैं शिया दी अजान रोको, रोको, हम अपील करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, केस करते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। वो हाई कोर्ट जाने के काबिल तो खैर है कोई नहीं, अगर किसी में हिम्मत है तो आए, मैं तो इंतजार कर रहा हूं, इतना मोटा नाम लिखा हुआ है हमने, उधर आए कोई आए मैदान में, इन्हें जो कि नहीं। उनका वही ये अली वलीउल्लाह या खलीफा तू बिला फसल जब कहते हैं ना, तो ये तीनों जो पहले खुलाफा है उनको गालियां देते हैं। ये सोशल मीडिया के ऊपर उनके पड़े हुए क्लिप मैं भी निकाल देता हूं, तो लिहाजा इनको रोका जाए, ये तीन खुलाफा को गालियां देते हैं। क्योंकि खलीफा तो हु बिला फसल, ये जो हु का मर्जा है ना ये हजूर है, यानी खलीफा उसके खलीफा, बिला फसल बगैर फासले के, यानी हजूर सलाम के मौला अली बगैर फासले के खलीफा है। बोलो यार, वो कहते हैं अब ये कहते हैं ना, ये कहते हैं कि मौला अली हजूर के बगैर फासले के खलीफा है, जुड़े हुए बिला फसल है, तो लिहाजा जो पहले तीन थे उनको गालियां दे रहे हैं। ये उनका क्लिप आ गया। अब तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है, राउंड अबाउट इसी पे मैंने खत्म करना है किबला माजरत, इसी पे 1,25,000 कमोबेश अंबिया और रुसल दुनिया में, जाहरन जाहरन दुनिया में जाहरन तशरीफ लाने में हजूर आखिरी है ना, तो है कोई उम्मती जो कहे वाकई आखिरी ने यारो, जाहरन तशरीफ लाने में तो हजूर आखिरी है, क्या तखलीक में भी आखिरी है? निगाह इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही ताहा। मैं अभी 100 हदीस पढ़ सकता हूं कि सबसे पहले ये 14 का नूर था, यानी सबसे पहले तखलीक में पहले हो गए ना हुजूर यार, बोलो पहले तो आए आखिर पे। तो पता चला जो हर मौलवी गले फाड़ फाड़ के कहता है कि नबी का पहला नंबर,
हजूर साहब से पहले, बाकी सारी कायनात हजूर के नूर से बाद में आई। तो इसका मतलब अगर हजूर पहले हैं हजरत जी, तो ये जो 1,25,000 अंबिया कराम है इनकी तो फिर गुस्ताखी हो गई ना। यारो जहरन जब हजूर आने में आखिरी है यार, मेरी बात समझो, जहरन आखिरी है ना, आखिरी नबी, लास्ट प्रॉफिट, आखिरी एंड पे। तो आप कह रहे नहीं आने में आखिरी है, बनने में पहले, तो इसका मतलब 1,25,000 अंबिया को फिर आप तो गालियां देते होंगे। वो कहेंगे नहीं जी चूंके चुनाचे। हम कहते अल्लाह के बंदो, ये जो जाहरी खिलाफत है ना, जाहरी वो जाहरी यार, उसमें अली अलैहि सलाम चौथे नंबर पे हैं, जाहरी, हकीकत में तो पहले हैं। अच्छा मैं इस पे रवायत देनी है आपको, मैं आपको एक रवायत देनी है, उसी पे खत्म करना है। हमारी अहले सुन्नत की कोई 200 किताबों में ये रवायत मौजूद है, खलीफा तो बिला फसल, गाली मुक गई। आपको पता है ना दावत ज़ुल शीरा का, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में हुई ना, अहतमाम हुआ, बोले उसके ऊपर पूरा एक खिताब हो सकता है, वो मैं नहीं करने लगा, अपने मतलब से मौजू से रिलेटेड एक जुमला करने लगा। 3 रोज तक चली वो मजलस, चलो किसी को मजलस से प्रॉब्लम हो, तौहीद सेमिनार, वो तौहीद कॉन्फ्रेंस, वो चलो महफले तौहीद, वो 3 रोज चली अबू तालिब के घर। अच्छा बातों में बात निकल रही है, मौला बात थी तेरी तौहीद की, जलसा था तेरी तौहीद का, तो अपने घर क्यों नहीं रखा? यारो बैतुल्लाह में होता अल्लाह के घर तौहीद की बात, तो जवाब आएगा अल्लाह के घर में तो थे बुत, तो बुतों की मौजूदगी में क्या तौहीद की बात करते? ओए होए, जा चुल्लू मर पानी में डूब मर, और रहमान के घर में तो बुत थे, इमरान के घर में कोई बुत नहीं थे। ओए होए होए होए, इसलिए जलसा उधर हुआ, वो 3 रोज तक जलसा चला। इसके जो सियाको सबाक है, इसके जो मफाहीम है, इसके जो फ्यूजातो बरकात है, उसकी तरफ नहीं मैं जा रहा, उस पर पूरा एक लेक्चर हो सकता है उसी एक निशिस्त पे। मैं जुमला कहने लगा हूं, जब 3 रोज तक हजूर ने दावत दी है ना अल्लाह के दीन की, तो जब तीसरा दिन आया, जब काफिर लंगर खा जाते थे, लंगरे अबू तालिब, दावत कबूल नहीं ना करते थे, और बोलो यार एक एक जुमले में हजारों हिकमते हैं, लंगर खा जाते थे, घर भी ले जाते थे, दावत कबूल, दावत कबूल, पता चला आज भी जो लंगर खा जाए दावत कबूल ना करे, कल भी भूला भी था आज भी भूला भी है। ओए होए होए, वहां एक जुमला इरशाद फरमाया, एक जुमला, जब वो जाने लगे कुफार, तो मौला अली अलैहि सलाम ने सबसे पहले खड़े होकर फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूं, अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं। तो वहां मेरे और आपके प्यारे आकर एक जुमला इरशाद फरमाया, सुनाऊं सबके सामने, मेरे आकर फरमाया, इन्ना हाजा अलीयुन वसी व खलीफाती। ओए होए, अहले सुन्नत की 250 किताबें देता हूं, मेरे आका ने फरमाया था लोगों सुनो, ये अली मेरा वसी भी है, मेरा खलीफा भी है, मेरा खलीफा भी है, मेरा खलीफा भी है। मैं एक जुमला पूछता हूं आपसे, जब हजूर फरमा रहे थे अली मेरा खलीफा है, उस वक्त हजरत अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफतें थी? बोलो यार, ओए अभी तक तुमने कलमा नहीं पढ़ा, ओए मान ले अली तब से मोहम्मद के खलीफा है जब ना तब था ना कब था। ओए 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 ओए, सहीफा मोमिन का उनवान अली है, खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। वो मेरी ना मान, चल मुस्तफा की मान ले, मोमिन और मुनाफिक की पहचान, मैं अली अली, मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, बस खत्म करने लगा हूं, मसाइब छोड़ रहा हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं, करके विरदे अली मैं शामो सहर, मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं, जुबान को वजू कराओ अली अली करके, मुनाफकत को भगाओ अली अली करके, अगर माएं चाहती हैं कि नेक हो बच्चे तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके, अली से बुग्ज भी है,
और हज की खाश भी, वाह हाजी साहब, अली से बुग्ज भी है और हज की खाश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है, तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। अली ते नबी ने दोवें नूर को मुल्ला वंडियां पाण दी लोड़ की है, ओ सीधा राज छड़ के बहिश्त वाला राज जहन्नम दे जान दी लोड़ की है। ओ जेड़ा अली नू कुल्ले ईमान नहीं मनदा, रब नू ओदे ईमान दी लोड़ की है। 12 साल दे भावे तू रख रो दे, मान करी ना यार तराबिया दा, दामन अली दा छड़ के टुरे जेड़ा राब पकड़े है उस खराबिया दा, ते बाज अली दे पुल नहीं उबार होना, वस चलना नहीं उथे हाजिया दा, ते दामन अली दा पकड़ के टुरे जेड़ा वारस होई जन्नत दिया चाबिया दा। तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है, मस्जिदों मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुर कैफ नजारे अली अली कर दे, सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने, और जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नूं वेख, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। जे वेखना ही ते जा खैबर नूं वेख, जिदे बूवे छत मीनारे अली अली कर दे, ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा, ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा। बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे, एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली, एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली। जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे, वो एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा, एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा, ए मुलक सारे दे सारे, मन कुन तू मौला, मन कुन तू मौला, आदम का मौला, दाऊद का मौला, साले का मौला, नूह का मौला, इब्राहिम का मौला, इस्माइल का मौला, इसहाक का मौला, यूसुफ का मौला, यूनस का मौला, मूसा का मौला, हारून का मौला, ईसा का मौला, अबू बकर का मौला, उमर का मौला, उस्मान का मौला, तेरा मौला, मेरा मौला, कायनात का मौला, कायनात का मौला, नारा हैदरी हैदरी हैदरी। मोमिनीन।